नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक जीव के बारे में जो कि वफादारी का प्रतीक है, हमारे जीवन में कष्टों को हरने का प्रतीक है, हमारे परिवार में बढ़ोतरी का प्रतीक है, यानी कि जिसे हम दरवेश यानी कि कुत्ते की बात करते हैं। हर एक को पसंद है एक जानवर कि अपने घर में जानवर रखे जिससे एक की एक मानसिक कनेक्शन बना रहे। ये घर में रहने से एक लोगों का अकेलापन दूर होता है, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और कई तरह के इंसान के जीवन में जो कष्ट आने होते हैं ये जानवर अपने ऊपर ले लेता है। देखने में तो ये जानवर है पर एक परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य से ये बढ़कर होता है जिससे आप आशाएं लगाते हैं और आपकी आशाएं पूरी नहीं होती हैं, पर एक जानवर जो कि कुत्ता है उससे आपकी सभी आशाएँ पूरी होती हैं, क्योंकि वो ना तो आपको धोखा देता है, आपके साथ रहता है, आपका हमदर्द बन के रहता है, हर एक मुश्किल समय में वो आपके साथ खड़ा होता है, यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरह के आने वाले कष्टों को वो अपने ऊपर लेता है। आपने देखा होगा कई तरह से कि अगर घर में परिवार में किसी तरह के कष्ट आते हैं, अगर आपने जानवर पाला हो तो वो अपने ऊपर कष्ट ले लेता है, यानी कि आपके परिवार की वो रखवाली करता है, एक तरीके से रखवाला है जो कि जीता जागता आपके साथ चार पैरों वाला एक जानवर आपके घर परिवार में रहता है। अब कुत्तों की सेवा या कुत्तों का स्टैचू रखने के उपाय के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से हम इस जानवर से कैसे अपने ग्रहों को सही करते हैं और कैसे ये जानवर हमारे जीवन में हमारे परेशानियों को हरता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुत्ता पालने के उपाय पर। कुत्ते को लाल किताब के अनुसार कहा गया है दरवेश। दरवेश यानी कि वो जानवर जो आपके दरवाजे पर आता है, आपके द्वारा दिए हुए खाने की तलाश में घर घर जाता है, इसको दरवेश कहा गया है, यानी कि ऐसा जानवर जो आप पर आश्रित है, आप लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ दिया जाएगा तभी वो खा पाएगा। और ये जानवर आपको कैसे बचाता है ये समझिए, क्योंकि ये जानवर अगर कुत्ते की बात करें, डॉग की बात करें, तो ये जानवर शनि, केतु, राहु और गुरु से कनेक्टेड होता है। ये कैसे ये समझिए, अगर हम शनि, राहु या केतु या फिर बृहस्पति की बात करें तो एक कैटेगरी जो हो जाती है वो शनि के मित्रों की हो जाती है, जैसे कि केतु या राहु। और बृहस्पति अगर हम बात करें बृहस्पति की, यानी कि गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट की अगर हम बात करें तो उसका चेला केतु ही है। अगर बृहस्पति केतु का कहीं से संबंध पा जाता है, बृहस्पति के जो परेशानियां या फिर आपके जीवन में परेशानियां आ रही होती हैं वो दूर होती हैं केतु के संबंध होने के कारण। तो केतु का संबंध अगर हम नेगेटिव प्लैनेट की बात करें, शनि, राहु, केतु, इनकी तरफ भी होना सही है, और बृहस्पति के साथ यानी कि शुभ जो प्लैनेट है, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी लक, हमारी किस्मत को जो दर्शाता है, उसके साथ भी होना सही है। अब हम केतु की बात करें, केतु जो कि सफ़र को दर्शाता है, कई लोग जो अब्रॉड सेटलमेंट को लेके परेशानियां झेलते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट नहीं होती है या फिर उनके सफ़र कहीं काम के नहीं रहते हैं, कोई शारीरिक कष्ट रहते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कतें शरीर में आती हैं, तब हम केतु के उपाय के लिए कहते हैं। अब केतु का उपाय अगर हम बात करें, केतु यानी कि लाल किताब के अकॉर्डिंग केतु को कुत्ता कहा गया है, यानी कि कुत्ते से संबोधित किया गया है कि केतु का जानवर जो है वो कुत्ता है। अगर हम कुत्ते की सेवा करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं। और भैरव यानी कि शनि या राहु की बात करें तो यहाँ पर हमें कुत्ते की सेवा करने को भी कहा गया है। अगर आपके ऊपर शनि या राहु की कहीं से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अब आपको शनि यानी कि भैरव की सेवा करके यहाँ पर राहु को कंट्रोल करना होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमें यहाँ पर सही करने के। अब कई बार प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें कि आपको ये केतु का उपाय किस कंडीशन में करना है वो समझिए। मान लीजिए आपको कहीं पर शारीरिक कष्ट है, हड्डियों की समस्या है जो कि जोड़ की समस्या खासकर कहलाती है, पेशाब या फिर स्किन की कहीं पर समस्या, आपकी औलाद होने में दिक्कत है, औलाद निकम्मी है, या औलाद कहीं कहे से बाहर है, औलाद सेटल नहीं हो पा रही है, या फिर औलाद कहीं पर आपके कष्टों में है, तब आपको कुत्ते का उपाय कहा जाता है। अब कुत्ते की बात करें तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि परिवार में रह के हमेशा उसकी उस परिवार की बढ़ोतरी की कामना करता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते को हम हमेशा जूठन डालते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए घर में दो मेंबर हैं तो दो मेंबरों का जो खाना बचेगा वो कुत्ते को मिलेगा, तो कुत्ता हमेशा यही चाहेगा कि इस परिवार की वृद्धि हो और मुझे जूठन मिलती रहे, मुझे कोई ना कोई रोटी डालता रहे। तो कुत्ते के अंदर हमेशा यही भावना होती है। और इसके अलावा और जानवरों की अगर हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष आ जाते हैं, वो कुंडली के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं कि आपको वो रखने हैं कि नहीं रखने हैं, पर हमारी आज की चर्चा स्पेसिफिकली कुत्ते को लेकर है। अब कुत्ते को हम घर में पालते हैं, आपने
कई बार देखा होगा कि औलाद के ऊपर कहीं पर कष्ट आ रहे हैं तो कुत्ता अपने ऊपर वो कष्ट ले लेता है। आपके ऊपर कहीं पर केतु के कहीं दोष आ रहे हैं तो कुत्ता पालने से, कुत्ता की सेवा करने से आपको केतु के दोष दूर होते हैं। कहीं पर अब्रॉड सेटलमेंट नहीं हो रही है तो केतु का उपाय कहा जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे उपाय हैं जो कि केतु से संबंध रखते हैं। केतु को ही हमें सही करना है, अगर हमने गुरु को सही करना है, अगर हमने राहु को सही करना है, अगर हमने शनि को सही करना है, क्योंकि इन सब का आपस में इंटरकनेक्शन यानी कि एक दूसरे से संबंध किसी न किसी तरीके से होता है। पर मैं आपको कुंडली के अनुसार बताऊंगा कि किस तरह से आप केतु यानी कि कुत्ते को पाल कर या फिर कुत्ते की सेवा कर कर या फिर कुत्ते की किसी तरीके से आप पालना कर कर अपने केतु को सही कर सकते हैं, शनि को सही कर सकते हैं, गुरु को सही कर सकते हैं, राहु को सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आजकल के शहरीकरण में ज़्यादातर लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो कुत्ता पालना कई बार मुश्किल हो जाता है। आपकी जॉब वगैरह या फिर ऑफिस वगैरह कुछ होता है या फिर घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, उसके लिए ही मैंने आपके लिए ये ब्रास के जो प्रॉपर ब्रास के डॉग स्टैचू बनवाए हैं ताकि आप लोगों का केतु का उपाय हो सके। केतु यानी कि आप घर में एक डॉग की उपस्थिति कर रहे हैं, यानी कि आप डॉग को किसी न किसी तरीके से मूर्ति के रूप में या फिर आप प्रतिमा के रूप में आप घर में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपके केतु के दोष दूर हों। क्योंकि अब फ्लैट वगैरह बहुत सारी लिमिटेशन है, आप नहीं पाल सकते हो, कुछ ना कुछ रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रास का ही यानी कि पीतल का ही बनाने की क्यों जरूरत पड़ी ये समझिए सबसे पहले। क्योंकि मिट्टी के बने हुए कोई भी मूर्ति हो कभी ना कभी वो टूट जाती है, और जिस दिन वो टूटेगी आपके मन में किसी न किसी तरह की शंकाएं, डर और वहम पैदा हो जाएंगे कि ये मूर्ति टूट क्यों गई, कोई अनहोनी या अपशगुन तो नहीं है। और ब्रास यानी कि पीतल के इसलिए बनाए गए हैं कि ये आपके साथ लाइफ टाइम रहे, लाइफ टाइम आपको शुभ असर प्राप्त होते रहें। क्यों? क्योंकि जो पीतल धातु है ये बृहस्पति की धातु है, और केतु जो रूप इसकी मूर्ति का रूप लिया हुआ है वो केतु का रूप है, यानी कि कुत्ते की अगर हम बात करें केतु, और पीतल की बात करें बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति और केतु को हमने एक साथ बांधकर एक मूर्ति का रूप दिया जो कि आपके बृहस्पति और केतु दोनों के असर को सही करती है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के अनुसार कि आपको स्पेसिफिकली कुंडली के अनुसार घर में डॉग रखना है तो किस तरह का रखना है। देखिए, अगर हम केतु का स्पेसिफिकली उपाय कर रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काले सफ़ेद कुत्ते का आपको उपाय करना है। अब ये ब्रास की जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, इस मूर्ति पर आप किसी भी तरह की कलाकारी कर सकते हैं। आप घर में इसको अपने हाथ से पेंट कर सकते हैं, चाहे इसको ब्राउन करिए, चाहे इसको ब्लैक करिए, चाहे ब्लैक करने के बाद इसके ऊपर व्हाइट डॉट लगा के, बिंदियां लगा के, हल्की हल्की व्हाइट पेंट की इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसको रूप दे सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मूर्ति को किस रंग में ढालना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुरु ग्रह की। अगर मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में खाना नंबर 5 यानी कि 5th हाउस में, अगर 5वें घर में है, तो इस केस में आपको ब्लैक कुत्ता यानी कि ब्लैक डॉग या फिर ब्लैक एंड व्हाइट डॉग आपको रखना है। अब ये आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई कर लेने हैं कि या तो आप ओरिजिनल कुत्ता रखिए या फिर आप स्टैचू यानी कि इस तरह से पीतल की मूर्ति वगैरह आप रख सकते हैं। शनि की बात करें, शनि अगर तीसरे घर में है, तीसरे खाने यानी कि 3rd हाउस में है, तब इस केस में कहा जाता है कि इंसान को धन माया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली इंसान ग्रो नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद को लेकर भी परेशानी में रहता है। अगर इस तरह से कोई परेशानी है तब इस केस में आपको कुत्ते और कुतिया यानी कि मेल फीमेल डॉग का जोड़ा अपने घर में रखना है। और अगर फाइनेंशियली दिक्कत बहुत ज़्यादा है, अगर खासकर आपको प्रॉपर्टी की दिक्कत आ रही है, तो मेल फीमेल का डॉग का जोड़ा रखिए। अगर फाइनेंशियली या ओवरऑल कहीं से प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मेंटल या फिर आपकी मैरिड लाइफ की कहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो 3 डॉग्स यानी कि 3 डॉग्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के आपको घर में रखने हैं स्टैचू। और अगर शनि खाना नंबर 5 यानी कि 5वें घर में है, तब इस केस में ये बहुत सारी दिक्कतें देता है, आपकी औलाद के ऊपर दिक्कतें देता है, आपकी हेल्थ यानी कि डाइजेशन पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, आपकी मानसिक स्थिति को ये कहीं ना कहीं हिलाता है, यानी कि आपके अंदर उस तरह की भावनाएं पैदा कर देता है कि आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हो। तब यहां पर शनि के बुरे असर को दूर करने के लिए आपको एक ब्लैक कलर का डॉग अपने घर में रखना है। बच्चों की कुंडली में अगर शनि खाना नंबर 5 का है, तो ये एजुकेशन या फिर मेंटल को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, उनके डिसीजन यानी कि उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई में रुकावटें पैदा करता है, वो पढ़ाई में ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में आप बच्चों के रूम में इस तरह से ब्लैक कलर के डॉग अगर आप मेल फीमेल रखते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब राहु की बात करें, राहु अगर 7th हाउस यानी कि 7वें घर में है, तो आप डॉग घर में बिल्कुल ना पालें,
और अगर आप कुत्ते की सेवा ही करना चाहते हैं तो बाहर जाके उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को दे सकते हैं। हाँ, अगर राहु खाना नंबर 6 यानी कि 6th हाउस में है तब इस केस में आपको ब्लैक या ब्राउन कलर का डॉग घर में रख लेना है। तो ब्लैक या ब्राउन कलर के डॉग यानी कि इस डॉग के मूर्ति के ऊपर आप ब्लैक या ब्राउन कलर का पेंट करके अपने घर में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर राहु 9th हाउस में भी है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर का डॉग आप अपने घर में रखिए। अब बात करते हैं केतु, केतु के अकॉर्डिंग ही डॉग रखना चाहते हैं तो यहाँ पर केतु अगर 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 9th हाउस में है, 10, 11 या 12 यानी कि 10, 11, 12 खानों में है तब इस केस में आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग के स्टैचू, आप मेल फीमेल भी रख सकते हैं, 3 डॉग के स्टैचू भी रख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, शोकेस में रख सकते हैं, इस तरह से आप अपने घर में रखिए। 12th हाउस के केतु के लिए ये तक कहा गया है कि अगर मान लीजिए अगर 12th हाउस का केतु है और आपकी औलाद के ऊपर कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपके घर लाया हुआ कुत्ता कहीं पर वो मर जाता है, खो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दूसरा कुत्ता ले आना है, तभी वो केतु के दोषों को दूर कर सकता है। यानी कि आपके औलाद के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो कुत्ता वो अपने ऊपर सारे कष्ट लेकर आपकी औलाद की रक्षा करता है, इसलिए आपको घर में कुत्ते की मूर्ति या फिर कुत्ते को जरूर रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल और केतु का योग है, मंगल और केतु अगर मंगल और केतु कहीं पर भी कुंडली में एक साथ बैठ गए दोनों मिलकर या फिर आपस में कहीं पर दृष्टि संबंध बना लिया तब इस केस में आपको घर में पीतल का कुत्ता जरूर रखना है। उसके ऊपर कलर कोई जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, पर ब्रास यानी कि पीतल की धातु होना जरूरी है क्योंकि मंगल और केतु का एक साथ मिलना ही काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, आपके जीवन में हर तरह से परेशानियां लाता है। ऐसा व्यक्ति बीमारियों में पैसा खर्चा करता है, बेमतलब के उसके झंझट पड़े रहते हैं, कुछ ज़मीनी जायदाद के झंझट पड़े रहते हैं, अपने लोग दुश्मन बने रहते हैं, इंसान का पैसा पानी की तरह बहता है और लोग धोखा दे के ऐसे लोगों के पैसे गबन कर लेते हैं। इंसान हमेशा पैसों को लेकर अपने शरीर को लेकर परेशानियां झेलता रहता है, तो ये परेशानियां आपके ऊपर ना आए केतु के असर को सही करने के लिए मंगल बद क्योंकि हो चुका है, मंगल और केतु का आपस में मिलने के कारण, तो बृहस्पति को बीच में लाके हमें मंगल और केतु के दोष दूर करने होते हैं। मंगल और केतु का सिंपल एक और उपाय है कि आप छोटे छोटे पीतल के बने हुए कुत्ते जरूर जल प्रवाह करते रहें ताकि यहाँ पर केतु को भी चंद्रमा के पास पहुँचा के शांत किया जा सके और बृहस्पति के फलों को भी उच्च किया जा सके। तो ये एक अलग एक रेमेडी मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ जो कि आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको ये रखने किस डायरेक्शन में और इनका वेट क्या होना चाहिए। ये आप पूरी वीडियो में देख रहे हैं कि आप वेट का कोई इसमें स्पेसिफिक इशू नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी वेट आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि ये मेटल पूरा शुद्ध होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, आपके नाम से अभिमंत्रित होना चाहिए और इसको रखने के लिए आप घर में कहीं पर भी रख सकते हैं, या तो आप इनको अपने ड्राइंग हॉल में रखिए जो कि आपका मध्य यानी कि बीच का हिस्सा होता है, आप वहाँ पर रखिए, लोगों की दृष्टि इस पर पड़ती रहे, आप लोगों की ध्यान इस पर पड़ते रहें, आप इनको बेडरूम में बिल्कुल मत रखिए और यहाँ पर आप ड्राइंग हॉल में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। इस तरीके से आपको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी थी जो कि एक अल्टरनेट रेमेडियल सोल्यूशन भी होता है और एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों को जिसको भी ये ब्रास के स्टैचूज चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों के एड्रेस तक ये पहुँच जाएंगे। मेरे पास ये 1 kg और थोड़े कम यानी कि 600 या 500 ग्राम्स के आसपास के भी हैं, हर तरह के भी हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर करके भी मिल जाएंगे या फिर आप भी कलर कर सकते हो, जैसा भी ऑप्शन होगा आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।